रबिया कहाँ हो भाई? जी बस आई, एक मिनट। जी फरमाइए, हुकुम दीजिए। अरे अरे, मेरी मजाल की मैं हुकुम करूँ? सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जब भी मैं सुबह नाश्ता करूँ तो तुम मेरे साथ बैठा करो। जी जरूर बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं बैठूंगी ना तो आप फिर वो इज्जत करेंगे कि नाश्ता करो, जो मुझसे नहीं होता। पहले मैं तुम्हारा डॉक्टर था तो बस इस रिश्ते से मेरा कहना मान लो, तुम जैसी दानपान लड़की के लिए सुबह नाश्ता बहुत जरूरी है। ये आप हर वक्त मेरे डॉक्टर क्यों बने रहते हैं? इसलिए कि डॉक्टर तो मैं हूँ, मगर मुझे अपना दूसरा रिश्ता ज्यादा पसंद है, बेगम राबिया एजाज। कैसा है? क्या बात है, बड़ा रूपदार नाम बन गया। अच्छा ये बताओ कि तुम आज सारा दिन घर पे क्या करोगे? आपका इंतजार। वो तो ठीक है, मगर थोड़ा बाहर निकला करो, सारा दिन घर में बंद बंद परेशान हो जाओगे। ऐसा करो मुझे क्लिनिक छोड़ के तुम गाड़ी अपने पास रख लो। मैं मेरा मतलब है कि आप मुझे अपनी गाड़ी चलाने देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब देखो ना तुमने इतने ड्राइविंग लाइसेंस लिए हैं और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो कोई भी गाड़ी चलाने में क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू,
आज तो मैं ना अम्मा के घर जरूर जाऊंगी। लेकिन रिवर्स कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे पागल, ट्राई तो करो, हर चीज से डरती हो। अब लगता है ये डॉक्टरी छोड़ के ना मुझे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना पड़ेगा तुम्हारा। अब जल्दी करो, मेरे मरीजों की लाइन लगी हो। अच्छा ठीक है, बस आप चलिए, मैं एक मिनट में तैयार होके आ रही हूं। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हां अच्छा, मैं जा रहा हूं बाजार, सोच के बता दो और कुछ मंगवाना है नहीं, बार बार चेक करेंगे लगाऊंगा। हाय, अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन देखना नसीब हुए। कैसे झुक के रिश्ता मांगा, कैसे बच्चों की तरह फरमाइश करता है। हाँ सुनो, लोहरी कुल्फा लेके आना, आइसक्रीम फाइसक्रीम ना उठा लाना, उसने लोहरी कुल्फे की फरमाइश की है। लोहरी कुल्फा, नान भी ले आऊंगा, और क्या? और तंदूरी नान मुर्गी वो भी ले आऊंगा, बस। और हाँ, सादे पान भी लेके आना, डिब्बे वाले। अच्छा बाबा, अच्छा। अब पापा 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 तो सुनो, वो मेरे लिए मीठे पान और वारिस के लिए मीठी सुपारी का पैकेट जरूर लेके आइएगा। और कुछ? बस। अच्छा बाबा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, बस। अम्मा, आज तुमने जीजा जी के लिए क्या पकाया? चल बेशरम, अरे कॉलेज क्या गई, किसी काम ही की नहीं रही। ए, बुरी माँ से पूछ रही क्या पकाया, ये नहीं कि उसकी मदद कर दे। अम्मा बस जरा से ये टेस्ट खत्म हो जाए ना, फिर मैं सारे काम करूंगी। अच्छा राजी कब आएगी? तू जाकर ना मेज पे दो चार प्लेटें लगा दे और प्याज भी काट दे, आने वाले होंगे वो। अम्मा लगा दिया ना तुमने मेरे जिम्मे काम, अच्छा मैं करती हूँ ना। ये बताओ कि आज जीजा जी ने क्या फरमाइश की है? हाय, आज तो उसने लोहरी कुल्फे की फरमाइश की है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना तो खाएंगे ना। हाँ हाँ, तो उठ चल काम करें। अच्छा जल्दी से। अम्मा हम जब भी आते हैं आप हुमैर की दुल्हन के कपड़े सीती रहती हैं, इन कपड़ों का फैशन पुराना हो जाएगा, अब हुमैर को शादी कर लेनी चाहिए। अरे मियां तो तुम ही समझाओ ना उसे, मैं तो कब से कह रही हूँ लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। अम्मा एक बात बताओ। हाँ बोल। बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर तुम हुमैर भाई की बात मान लेती तो आज हुमैर भाई शादीशुदा होते। पागल हुई है क्या? मैंने तो कितनी बार सलोनी बहन से कहना चाहा, लेकिन वो हर दफा मेरा मुंह पकड़ पकड़ लेता था। मेरा क्यों अम्मा का मूड खराब कर रही हो? अरे सच बात जानने में नुकसान ही क्या है? अच्छा बोल, तू ही बोल, बता। चुप करो, जाने दो। अम्मा हुमैर भाई को तो आंख खोलने से एक ही लड़की पसंद आई थी और वो है राजी। जब भी वो रिश्ते की बात करते तो राजी किसी की गाड़ी में बैठ के फुर से उड़ जाती। ठीक कहती है तू, लेकिन राजी के जो लक्षण थे शादी से पहले सारा मोहल्ला जानता था, और फिर अचानक उसकी शादी हो गई, और फिर तलाक भी हो गई, और फिर उसकी शादी हो गई। अब भला बताओ ऐसी लड़की। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो इतनी दोस्ती थी राजी से, तुमने हुमैर की मदद क्यों नहीं की? अब अम्मा पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? अरे मियां जो लमिया करते हैं सही करते हैं, अच्छा ही होता है। अब लोगों को देखो दिमाग नहीं मिलते उनके। हाँ ये तो है, फिदा अली खालू तो किसी से आंख उठा के बात ही नहीं कर सकते। देखो अम्मा, पहले बेजोड़ शादी हुई कैसी शान से, फिर जोड़ की हुई और कैसी शान से सोसाइटी में रहती है। हाँ मगर उसकी दोस्त शान से नहीं रहती बल्कि गरीबों की तरह रहती है। अरे नहीं सफीर मियाँ, ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? सफीर साहब एक बात बताओ। हाँ बोलो। जितना आप मुझे खुश रखते हैं और जितना मेरा ख्याल रखते हैं, मैं ऐसे हजार जुबैर समी और सैकड़ों डॉक्टर साहब आपके ऊपर कुर्बान करके फेंक दूं। भाई वाह, क्या कहने, शुक्रिया शुक्रिया। बेटा कबाब रानू, तू भी बैठ जाना। नहीं अम्मा आप लोग खाएं, ले लीजिए इजाज़ भाई आपके लिए गरम गरम रोटी, मैं और लेकर आती हूँ। राबिया तुम्हारी बहन है बहुत प्यारी, क्या ख्याल है कल चलें किसी रेस्टोरेंट रानो और वारिस को लेकर? हाँ हाँ जरूर चलेंगे। अब्बा आपको पता है कल हम कहाँ गए थे? कहाँ वाला? अम्मी आप खाना नहीं खाएंगे? हाय बेटा खा लूंगी, तुम खाओ। अच्छा हाँ बता कहाँ गई थी तुम? अम्मा पता है समंदर पे जो रेस्टोरेंट है ना, हम वहाँ गए थे,
इतने खाने थे मैं तो गिनती भी नहीं कर सकी। अरे जाजमिया, तुम इतने बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हो, हमारा घर का मामूली खाना खा के तुम्हें क्या मजा आता होगा? मम्मी कैसी बातें करती है, आपके हाथ में जो जायका है ना वो किसी के हाथ में भी नहीं, बस अम्मा के हाथ में था। जब मैं आपके घर आता हूँ ना मुझे अम्मा की बात याद आती है। अरे मिया तू रोज आ जाया करो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है, आज आप लोग मुझे कुल्फी की दुकान का पता बता ही दीजिए। क्यों बेटा, जब तुम फरमाइश करोगे हम खिला देंगे। रानू फ्रिज में से कुल्फा तो निकाल के लेके आ। अच्छा अरे रहने दे मैं खुद ही निकाल लूंगा। रानू कितना काम करेगी भला, हमें आपने राबिया को काम करना नहीं सिखाया। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अरे अरे सॉरी सॉरी अम्मी, अब तो ये बहुत काम करने लगी है, कल मेरी कमीज इस्त्री करने में और आज अपनी कमीज पे इस्त्री की और जला दी। अरे मैं लो ना चावल लो। खुर्शीद कमबख्त कहां मर गई जा करके, फटा जा रहा है सर, चाय चाहिए थी इस वक्त। अल्लाह तो घुटने में भी बड़ी तकलीफ है। अरे खुर्शीद उफो, इतने जोर से चीखने पे तो कब्र के मुर्दे भी जवाब दे दे, मगर यहां के मुलाजिम मुर्दों से बदतर है। आए अल्लाह भाई माँ क्या फेंक दिया। अरे इसकी फिकर छोड़, कहाँ चली गई थी? फूफी हमने जिंदगी भर काम किया मगर इस घर का तो काम ही निराला है। अरे खाना पकाने का वक्त है तो बच्चे को संभालना पड़ता है, बच्चे को संभालो तो सफाई का वक्त हो जाता है, और बच्चा भी ऐसा कि ना गुस्सा समझता है ना प्यार, जंगली है बिल्कुल। ना बाबा ना, हमसे इतनी तनख्वाह में काम नहीं होता। अरे गजब खुदा का, अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी। हद करती हो खुर्शीद तुम भी, हमारी मजबूरी का ऐसा फायदा उठाना। सोच लो पप्पी, हमें घर बहुत, मुझे तो ये पड़ोस वाले बुला रहे हैं, और मजबूरी का फायदा कौन नहीं उठाता। अच्छा बातें मत बनाओ, टेलीफोन सुनो, मुझसे उठा नहीं जाता। हेलो कौन? अच्छा ठहरो पुप्पी, तुम्हारे लिए फोन है किसी सलोनी का। अरे कह दो मन उससे गारत हो गई पुप्पी। पुप्पी गारत हो गई? क्या कहा? तुम्हारा बिल नहीं दिया? अच्छा तुमने शादी कराई थी उनके भाई की 250 पहले। पुप्पी पुप्पी के बच्चे मर गई, पुप्पी मर गई, पुप्पी तो मेरी जान लेके जाएगी, इससे तो चांदी अच्छी थी। अरे भैया लाओ मैं टांग देती हूँ। तू कब आई? मैं सभी आई। अम्मा कहाँ? पता नहीं, सुबह से तो दिखी नहीं मुझे। अच्छा लाओ मुझे तो ला दो। मेरे ख्याल में तो अम्मा जो है ना मौलवी साहब की रहेंगी। क्यों मौलवी साहब? क्या क्यों? तेरी शादी की बात करने के लिए भैया, दुआ करो। सुना है कि मोहल्ले में कोई नए मौलवी साहब आए हैं, कहते हैं कि वो ऐसा ताबीज देंगे कि तुम्हारे दिल में शादी की ख्वाहिश जागे। अम्मा खामा खाई गई मौलवी साहब के पास? भाई उन्हें कैसे पता कि मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश जो है वो सोई हुई है? देखा भैया, शायद वो मौलवी साहब जो है ना वहां दुआ कर रहे होंगे और यहां तुम ये बात कर रहे हो। हुमैरा सुन, क्या लगता है कि मेरे दिल की तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, मगर जिंदा रहने के लिए शादी तो करना ही पड़ेगी। सच भैया? अरे पागल हो गई है, चीख क्यों रही है? भैया भैया आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। शादी करके बहुत अच्छा लगता है, मैं और सफीर है ना हम बहुत खुश हैं। मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र करती हूँ
कि मैंने शादी कर ली। वरना यहाँ घर में बैठी होती तू किसी अमीर आदमी के इंतजार में। मैं तो रात दिन सलोनी खाला को दुआएं देती हूँ। कहो तो सलोनी खाला से बात करूं। ओहो, तू अम्मा कब से बन गई? कभी तो बनूंगी। बेशरम, इसी बात पर ऐसा कर तू मेरी शादी, मेरा मतलब है मेरे लिए लड़की ढूंढ, मैं कर लूंगा शादी। सच भैया? भैया देखा मौलवी साहब के तावीज में कैसा असर है। तावीज है कहाँ? रास्ते में अम्मा लेकर आ रही होगी ना, वहां मौलवी साहब ने दुआ शुरू की होगी और यहाँ उसका असर हो गया। भैया भैया कितना मजा आएगा ना जब जब भाभी घर में आ जाएगी। अरे आप आ गए। कहो तो चला जाऊं? ऐसी बात क्यों करते हैं? बस तुम्हें छेड़ने में मजा आता है। जी पता है मुझे, आखिर एक साल से हूँ आपके साथ। अच्छा, एक साल हो गया। समझ गई, कितने होशियार हैं आप। लो भाई, सारा सस्पेंस टूट गया, साल और तारीख की बात आई और सारा पोल खुल गया। लेट्स सी। ये क्या है? अंगूठी है तुम्हारे लिए। शादी की पहली सालगिरह पर अपनी बीवी को उसकी पसंद का तोहफा, जो मेरी भी पसंद है। बहुत खूबसूरत है। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं? ये भी है, सारा काम धंधा छोड़ के कागज कलम लेकर बीवी के नाम के कसीदे लिखने बैठ जाऊं, है ना? अच्छा भाई, शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम पूरी शाम बाहर गुजारेंगे। हाँ, मैं बस 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ, आप चलिए। ओके। Thank you.